किया तो क्या हुआ? मैं अकेला रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, यही इच्छा कहती है कि बेटा विक्रम मैं विजय को कितनी जल्दी। अरे दादाजी, आप मेरी एक बात मानिए, आप भी छोटे के साथ कॉलेज में भर्ती हो जाएंगे। क्यों मजाक करता है विक्रम, मेरी उम्र में तो ईश्वर भी रिटायर हो जाते हैं बेटा। तो फिर विजय को लाने का एक ही तरीका है दादाजी। वो कौन सा तरीका? उसकी शादी कर दीजिए। शादी? वो हमेशा आपकी नजरों के सामने रहेगा। ठीक है कोई बात नहीं, इम्तिहान बाद उसकी शादी कर दी जाएगी। हाँ दादाजी, ये हरियाणी हमें भी कुछ खाली खाली रखती है। विक्रम मैं जानता हूँ तू विजय को दूर नहीं देखना चाहता, ये मेरा दिल कह रहा है, लेकिन उसके भविष्य के लिए तू सब कुछ कर रहा है, ये जानते हुए फिर भी मेरा दिल नहीं मानता बेटा विक्रम। दादाजी, इम्तिहान खत्म होते ही उसकी शादी कर दी जाएगी, आप इतना उतावले मत हो दादाजी, मत हो। और चलो आप आराम करो। बाबू कुलदीप सिंह, ये नरेंद्र भाले के निवासी हैं, हमारे प्रधान जी, ये भाई 501 रुपए घरमारी साहब के लिए व्यवहार दिए हैं और 101 रुपए हमें ऐसे चलना। तुम्हारे ऊपर हमेशा खुश रहते हैं। दांत निकालो। टैक्सी ड्राइवर कुंदन, तुम्हारे भाई की मौत हुई, तुम्हारी मौत तुम्हारे सर पर मरा रहे हैं। ठीक है विक्रम सिंह के भाई विजय सर, अब हम तुम्हें ऐसे रास्ते पर पहुंचा दूंगा कि तुम्हारी जमीन जायदाद खत्म हो जाएगी। मैं आज चलता हूँ मल्टी के अड्डे पर, जमकर जुआ खेलेंगे और शराब पिएंगे। अरे भंडारी, तू जानता है आज कई दिन से धंधा नहीं चल रहा है, आज मेरा दिल कहता है चल चम के जुआ खेला जाएगा और दारू पिया जाएगा। दारू न पियो, शराब पियो। शराब और दारू एक है रे। दारू और महुआ है। हाँ। और शराब यहाँ इंग्लिश दोनों एक है। अच्छा लाओ पिलाओ, पिलाओ नहीं पिलाओ। बैठा ये बता जुआ कहाँ पे होगा? यही तो है अंडा, तो अंडा नहीं अड्डा। हाँ एक टाइम खेलो। अरे और कोई आने वाला है? अरे विजय, विजय भी नहीं है, अपना दोस्त बहुत जिगरी दोस्त है, वो कमरे पर चलिए, हो सकता है कमरे पे आ जाए। चलिए चलिए। अरे हाय हुक्का, हाय हुक्का, हाय हुक्का, हाय हुक्का। अच्छा डांस कर लेता है। मैंने सुना है इस इलाके में जुआ और शराबी इकट्ठा होती है। इकट्ठा नहीं सर, इकट्ठा हुआ। अरे वो जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। आज चलो उनके अड्डे को भस्म कर दूसरा। अरे नहीं सर, उसके अंडे को मर। अंडे को नहीं अड्डे को, जहाँ पर जुआ शराब पीते हैं सारे। चलो सारे चोर सार करते हैं। तेरे कोरोना हुआ क्या? बायां हाथ क्यों मिला रहा है तेरे? नहीं हम अपने दुश्मन से मिला है। तेरा दुश्मन है? मेरे दोस्त है। क्यों रे है बंटी, बकवास कर चल। बाय। साथ साथ
हेलो भैया, ये आपके दादा जी की चिट्ठी है। लगता है दादाजी की चिट्ठी है। जैसे मैं कोई दूध पीता हूँ, बच्चा हूँ, रोज ना रोज एक एक चिट्ठी आती जाती रहती है। इसलिए मैं गांव की बंदिशों से छोड़कर शहर चलाया। समझदार है। क्या कहूँ अरे विजय, मैं तुझे क्या कहूँ यार, तुझे खुद नसीब कहूँ या अपन नसीब, तेरे कहने का मतलब आंटी, तेरे कहने का मतलब क्या हुआ? मेरे कहने का मतलब विजय, जिसको इतना प्यार मिले वो खुश नसीब होता है, और जिसको प्यार न मिले वो बंद नसीब होता। देख क्या लेकिन देखो सिगरेट। आंटी बंद कर बकवास, चल चल चल। अरे चल चलिए 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 भाई चलिए। हाँ चलिए इसमें चलिए भाई चलिए भाई चलिए। देख चलो अपना फिर बाद में प्यार करते हैं। अरे रंग खोलोगे सभी वाले खेलने नहीं जाते। गाली नहीं देना, अरे पिलाई कर दूंगा। नसी नहीं नका। चलो चार चलोगे हरा रंग भरा सभी शराब नहीं पीऊंगा, अब मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। शराब पटा बना रखा है। यही यही था तो हम इसके साथ से ताश खेल कर गोली मार दिया। इसको लेकर चले और मैं इसके साथ के भागे भगा रहा हूँ। दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं, मेरी बहन का कातिल नहीं मिल रहा है। क्या करूं, हराम ज्यादा कहीं मिल जाता तो उसका खून निचोड़ निचोड़ कर मत। आपके आपके बहन का कातिल को लेकर वो साहब लोग लेके जा रहे थे। कहाँ पे? वो जा रही गाड़ी, वो देखिए पुलिस लोग लेके जा रहे हैं। आओ देखते हैं।
राम जोधा तो मेरी बहन का कातिल है। अरे नहीं भैया, हम नहीं किसी का। चल चल मेरी माँ के पास, वही बताएंगे जो की कातिल। अरे देखो, एक कातिल पकड़ कर लाया हूँ, इस हरामजादे को पहचानो। ये वही कातिल तो नहीं है जिसने हमारी बहन मुन्नी का कत्ल किया है। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया भैया। चल हरामजादे, जब तक मेरी माँ तुझे पहचान नहीं लेती तू चलता चल। उसके जूते की पहचान बता सकते हैं। गुंडन, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत पुलिस की गाड़ी से इसे छुड़ा के लेकर आ रहे हो। ये इतना तमन्ना है सारा, और तू मैं तुझे बहुत समझदार समझता।